हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। ठंड पूरी तरह से आ चुकी है, हमारे उत्तर भारत में तो आई चुकी है, आई थिंक आप लोगों के यहाँ भी पहुँच गई होगी। पसीना निकलना पूरी तरह से बंद हो गया है और बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पसीना निकलना बंद हो जाता है और बॉडी का डिटॉक्स होना बंद हो जाता है, बॉडी के अंदर से गंदगी निकलना बंद हो जाती है। लेकिन आज मैं ये जो चीज़ आपको बताऊँगी, ये जो पाउडर बताऊँगी, होममेड पाउडर बताऊँगी, इसके थ्रू आप बॉडी से बेतहा पसीना निकलेगा, भले आप काम करो या ना करो। इतनी बॉडी हीट होगी कि जो भी खाना आपने खाया है वो पचेगा, वो डाइजेस्ट होगा, इवन चर्बी जो बॉडी में है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो कैसा है, फुली होममेड है, कुछ भी करने की आपको बाहर से जरूरत नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा इस पाउडर के साथ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे टाक से प्रेस कर दीजिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इज अ पीपरी। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में पीपरी के कच्चे फलों को औषधि रूप में प्रयोग करते हैं। पीपरी पाचन को बेहतर बनाने वाली, वीर को बढ़ाने वाली, खांसी, पेट रोग, ज्वर, बवासीर, आमवाद आदि को नष्ट करने वाली है। एंड सेकंड इज अ काली मिर्च, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और थर्ड इज अ जिंजर। फ्रेंड्स, जिंजर के बारे में एक चीज और बताऊंगी कि जिंजर में थर्मोजेनिक एजेंट होता है जो वसा को जलाने में मदद करके वजन को कम करती है। और यहाँ पे आपको ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसका एक स्मूथ पाउडर बना लेना है जिसमें कोई भी ग्रेन्यूल ना रह जाए। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 50 ग्राम ड्राई जिंजर ले रहे हैं तो आपको 50 ग्राम पेपरी भी लेनी है और 50 ग्राम काली मिर्च, मीन्स आपको तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है और उसे अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, जो लोग भी पित्त की प्रॉब्लम में हैं, यानी जिनको भी पित्त की प्रॉब्लम है और जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं, वो इस पाउडर को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और एक इन्फॉर्मेशन मैं और दूंगी कि जो लोग भी थायराइड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो उस पाउडर को ज़रूर यूज़ करें। मैं एक बात ये भी बताऊँगी कि मैं खुद थायराइड के पेशेंट हूँ और मैं इस चूर्ण को बहुत ज़रूर यूज़ करती हूँ। और आप फर्स्ट अपना थायराइड चेकअप कराइए, फिर आप इसको एक या दो महीने इस पाउडर को लीजिए और फिर आप अपना थायराइड चेकअप कराइए। आई प्रॉमिस गाइस कि आपका रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आएगी और आपको इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर मिलेंगे। और क्योंकि हम थायराइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत ही डाउन हो जाता है, जिससे कि जो भी कुछ भी हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होके हमारी बॉडी में मोटापे के रूप में दिखाई देता है। आपको इस पाउडर को एक कांच की शीशी में भर लेना है और ये एक बहुत ही अच्छा मेटाबॉलिक बूस्टर है, नेचुरली है, इसलिए आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। और आपको इसके लेने का तरीका ये है कि दोपहर में खाने के बाद आपको लेना है और रात में खाने के बाद आधा चम्मच लेना है, मीन्स आधा आधा चम्मच लेना है। फटाक से क्विक रेसिपी है और कितनी ही जानदार रेसिपी है। अगर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, मेकअप वीडियो और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेरे जिसे बोलते हैं बैक टू कैमरा चीज़ें आती हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक।